एक्चुअल में बाजार रहेगा कैसे, इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी देश के अंदर भी विदेश के अंदर भी, क्योंकि रशिया यूक्रेन के बाद अब सिर्फ भारत ही एकमात्र देश था जो मिस्र हो गया और तुर्की हो गया, इन बड़े बड़े देशों में जहां पर जो ये वो देश हैं जो पूर्ण रूप से अपने अनाज के लिए यानी कि गेहूं के लिए विदेशों पर ही निर्भर हैं, आयात पर ही निर्भर हैं। तो अब जब इन देशों को यहां से गेहूं का निर्यात रुक जाएगा तो क्या संकट पैदा होगा और इसका असर भारत पर कैसा रहेगा, ये जानेंगे। और ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाजार के जाने माने एस्ट्रो मनी गुरु कर्नल अजय जी। कर्नल अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। शुभ अखिलेश राठी जी और मार्केट टाइम्स टीवी के सभी दर्शक बंधु, मैं कर्नल अजय आपसे मुखातिब होता हूँ आज के एक विशेष एपिसोड में। ये अखिलेश जी, कर्नल अजय जी, सरकार ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी है। आपने कल ही के दिन कहा था कि आपने स्पेशल रिपोर्ट जारी करी थी मोटे अनाजों के ऊपर, इसमें आपने गेहूं को भी शामिल किया था। आपने बता दिया था कि फैसला आ सकता है, ऐसे आसार बन रहे हैं और वो फैसला आज हमने होते हुए भी देख लिया। तो अब कर्नल अजय जी, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे, सरकार ने खाद्य सुरक्षा के मद्देनज़र देश से गेहूं का निर्यात रोका है, अच्छी बात है, लेकिन रशिया यूक्रेन संकट से जिन देशों को निर्यात हो रहा था जैसे कि इजिप्ट, टर्की और भी देश जुड़ना जा रहे थे भारत से, और ये वो देश हैं जो पूर्ण रूप से अनाजों के लिए आयात पर ही निर्भर हैं, तो ऐसे में इन देशों में अब इसका असर क्या पड़ेगा? क्या भारत के अलावा कोई देश सामने आएगा जो गेहूं का इतने बड़े पैमाने पर निर्यात कर सके? देखिए, बहुत अहम सवाल है आपका, क्योंकि जो ब्लैक सी है यानी काला सागर के जरिए जो वीट यानी गेहूं का जो निर्यात रशिया और यूक्रेन करता है, और उस दोनों ही देशों के बीच में एक जबरदस्त लड़ाई चल रही है पिछले लगभग दो महीने से, इसका असर पूरे देश की खाद्य सुरक्षा पे पड़ रहा है। और विशेषकर जो आपने बताया टर्की है, इजिप्ट है और ये बाकी जो देश है, इवन बांग्लादेश भी शामिल है उसमें, उनके उसके अंदर वहां पे खाद्य संकट है, उसमें कोई दोराई नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि भारत को सबसे पहले अपने निवासियों की खाद्य सुरक्षा का भी ध्यान देना पड़ेगा। यदि आप देखें कि जो भारत सरकार ने इनिशियली गेहूं के जो प्रोडक्शन के आंकड़े जारी किए थे, वो आंकड़े भी पूरे होते नजर नहीं आ रहे हैं, उसके अंदर भी 60-70 लाख पर, और कुछ लोगों का तो यहाँ भी कहना है कि लगभग 1 करोड़ टन का कम प्रोडक्शन हो सकता है, और 50-60 लाख टन को तो कम होने की पूरी पूरी संभावना बनी रही है। एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो एमएसपी पे जो भारत सरकार जो गेहूं खरीदती थी और जिसका वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए या प्रधानमंत्री योजनाओं के जरिए या नरेगा के अंदर या दूसरे तरीके से होता था, वो ये खरीदे गए गेहूं के जरिए होता था। और आप ये भी देखें कि लगभग 444 का जो लक्ष्य था वो पूरा लगभग आधा भी नहीं हुआ है, 55% कम अभी प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट से हुई है, क्योंकि किसानों ने डायरेक्ट माल निर्यातकों को देना शुरू किया हुआ है और मंडियों में भी गेहूं की का आवक बिल्कुल कम हो गई थी। ऐसी दशा के अंदर जब उत्पादन आपका कम है और आपके पास सरकारी जो भंडारण है वो आधे से भी आधा आपका प्रोक्योरमेंट है और अभी आपने लगातार निर्यात किया, तो इसका असर भारतीय जनता पर विशेष पड़ना चाहिए। और अभी आप देखें हैं कि अभी 2 महीने पहले के जो एक आम उपभोक्ता वाली वस्तुएं हैं, तो आटा, ब्रेड, बिस्किट और ये सब कुछ, जो ब्रेड आज से 3 महीने पहले 30-35 रुपए की थी, अब वही ब्रेड आज 40-50 रुपए की आ रही है। ये हाल बिस्किट्स में हो रहा है। और जो आम जनता के ऊपर जो महंगाई दर जो अभी बढ़ी है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है, वो भी अनाजों की वजह से काफी बहुत तेज हो गया है। और यही वजह रही कि आरबीआई गवर्नर को मॉनेटरी पॉलिसी की घोषणा से पहले आकर है ना 40 बेसिक पॉइंट बढ़ाना पड़ा, नहीं तो महंगाई बहुत तेजी से चरम सीमा पे पहुंच रही थी। तो अब एक सवाल यह है कि क्या हम टर्की की तरफ देखें, क्या हम इजिप्ट की तरफ देखें, क्या हम बांग्लादेश की तरफ देखें या दूसरे देशों की तरफ देखें, या फिर हम अफगानिस्तान की तरफ देखें? अफगानिस्तान में भी भारत सरकार ने गेहूं एक एमएसटी सहायता की है, लेकिन अब पॉइंट यह है कि जब आप सबसे पहले आप अपनी जनता को जो कमर तोड़ महंगाई हो रही है
उसके ऊपर आपको नजर नहीं रख के और बाकी देशों पर आप नजर रख रहे हैं। और ये भी निश्चित रूप से है कि चाहे इजिप्ट हो चाहे टर्की हो या बाकी जो खाड़ी के देश है, वो हमसे अनाज इसलिए ले रहे हैं कि हमारा अनाज सस्ता है। हमारा अनाज $370 के आसपास है, जबकि बाहर का जो डॉलर जो दूसरे देश जो जो कर रहे हैं वो 380 से 390 है। तो हमारा लगभग $10 से $15 कम होने की वजह से हमसे भारत से ये देश आयात कर रहे हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर ये महत्वपूर्ण हो गया कि कोई भी यहाँ पे सजा नहीं है, आपको बाल सस्ता मिलेगा वहां से आप लोगे। अब दूसरी चीज आप देखो कि भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है, व्यापार, वो भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इधर विदेशी मुद्रा का भंडारण भी कम हो रहा है, लगातार ये इसमें कमी आ रही है क्योंकि विदेशी संस्थागत निवेशक भारतीय शेयर बाजार से लगातार पैसा एग्जिट कर रहे हैं पिछले 7 महीने से। तो आपका सवाल ये है कि उन देशों का क्या होगा जी? तो और दूसरा सवाल आपका था, तो कौन सा दूसरा देश ऐसा है कि जो निर्यात में आगे आ सकता है जी? तो इसका बिल्कुल सीधा उत्तर है कि फ्रांस का जो गेहूं अब धीरे धीरे बाजार में आने की संभावना हो जाएगी जून के महीने में। तो फ्रांस एक बहुत तेजी से उभरता हुआ वीट एक्सपोर्टिंग कंट्री होगा जिसका जून के अंदर आ सकता है, तो वो वतन ले सकता है। और एक और कि जो रशिया और यूक्रेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं और उनके जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स और ये हैं, वो भी अपील कर रहे हैं कि उनके बंदरगाहों को जो अभी सस्पेंड है शिपमेंट, वो भी अब चालू हो। और यूक्रेन ने अपना माल जो पड़ोसी देशों के मुल्कों में जो है उनके बंदरगाहों से उन्होंने अब माल एक्सपोर्ट चालू करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, जो की शुरुआत हो चुकी है जी। और रशिया का भी है, तो मुझे लगता है कि हमें इसके लिए बहुत हैरान परेशान नहीं होना चाहिए। हमें अपने देश की जनता का भला पहले देखना चाहिए, और किसानों ने इस बार बहुत जबरदस्त मुनाफा कमाया जिसका पूर्व अनुमान एवं आकलन हमने लगभग 2 से 3 महीने पहले भी दिया था, और अभी 4-5 दिन पहले का भी हमारा एक एपिसोड था जिसमें हमने मोटे अनाज के पर चर्चा की थी कि हमने उसको एक इशारा भी दिया था कि यदि समय पे आप मुनाफा नहीं वसूल करोगे, और आपको याद हो तो हमने एक उपमा भी दी थी कि यदि पेड़ के ऊपर फल पक जाता है या आप उसको समय से नहीं तोड़ोगे या तो पक्षी खाएंगे या उसके बाद नहीं होगा तो वो फिर जमीन पे गिरेगा और वो नष्ट हो जाएगा। तो व्यापारी हो या किसान, उनको ये समझना पड़ेगा कि आपको यदि आपको अच्छा मुनाफा मिल रहा है, 25 से 30% आपको पैसा ऊपर मिल रहा है, 1900-2000 का दाम का यदि आपको 2400-2500 रुपए के भाव के हिसाब से चीज मिल रही है, तो आपको उसके अंदर मुनाफा आपको लेना चाहिए। अभी नहीं लोगे तो कोई ना कोई सरकारी या कोई ना कोई और दूसरी प्रबंधन आ जाएगा। कर्नल जी आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से ये जो फैसला आया है सरकार का, काफ़ी बड़ा फैसला है, वैसे देखा जाए तो पूरा इंटरनेशनली काफ़ी सारी कंट्रीज प्रभावित होने वाली हैं और हो भी चुकी होंगी इनफैक्ट, तो ऐसे में अब भारत की बात की जाए तो भारत में क्या लगता है आपको, जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि मंडियों में गेहूं 2500 रुपये क्विंटल बिक रहा है और MSP है 2015 रुपये क्विंटल, किसानों को मुनाफा मिल रहा है, अच्छी बात है, मिलना भी चाहिए, लेकिन क्या इस फैसले से ऐसा भी मुमकिन है कि जो गेहूं की जो प्राइसेस हैं वो MSP के नीचे आ जाएं? बहुत अहम सवाल है आपका। देखिए कि आपने वो सवाल पूछा है कि इसकी कीमत अरबों खरबों रुपए की है जी, और जो भी ये इंटरव्यू सुन रहा है, जो भी इसको सुन रहा है, मुझे लगता है कि उनको फायदा हो सकता है। देखिए इसमें दो राय हैं। नंबर वन कि निर्यात, भारत के निर्यात रोकने से बाकी कंट्रियों पे क्या फर्क पड़ेगा, पहला सवाल। उसका मेरा बिल्कुल क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि भारत इन दिनों प्रमुख वीट एक्सपोर्टर के रूप में उभरा, और यदि यहाँ पर रोक लगी तो मेरे हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गेहूं के दाम बढ़ जाने चाहिए जी। पहला प्रश्न का उत्तर यह है
कि जो मेरी एस्टिमेशन है कि भारत के गेहूं निर्यात कर की खबर से, क्योंकि ये 13 मई सन 2022 को जो भारत सरकार ने वीट को जो पहले फ्री कैटेगरी में था उसको प्रतिबंधित कैटेगरी में डाल दिया है जी। और उसमें कुछ शर्तें भी लगाई हैं कि यदि जिसका पहले से ऑलरेडी ऑर्डर है और उसका जो चलान का जो बन चुका है तो उसको छूट भी मिलेगी और उसके अंदर एक आध छूटे और भी हैं। तो मेन मकसद ये है कि भारत के वीट एक्सपोर्ट को रोक लगाने से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गेहूं की कीमतें बढ़ेंगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपका क्या था अखिलेश जी, एक बार दोबारा रिपीट करें। दूसरा पॉइंट मेरा कर्नल अजय जी ये था कि अगर एक्सपोर्ट जैसे रुक गया है तो भारत में इसका असर क्या होगा, क्या भारत में किसानों को एमएसपी से नीचे प्राइसेस मिलना शुरू हो जाएंगे, या फिर भारतीय किसानों को जैसा आपने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ये जो दाम है अब तेजी रहेंगे, कीमतों में तेजी रहेगी, भारत के किसानों को फायदा होना चाहिए, तो इस पर अभी क्या प्रतिक्रिया रहेगी, क्या अभी इस पर असर रहेगा? बहुत दूसरा सवाल आपने जी वो पूछा है जो जिसकी भी तुलना कहीं नहीं हो सकती। पहला तो सब इसके अंदर आपने दो भागों में पूछा है इसका कि एमएसपी से क्या नीचे गेहूं आएगा, आपका पॉइंट। इस तो मेरा उत्तर पहले पॉइंट में यह है कि भारत से गेहूं के निर्यात रोकने की खबर से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गेहूं के भाव बढ़ेंगे। एक उसका जब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गेहूं के दाम बढ़ेंगे और भारत में जैसे मैंने बताया कि इस भारत के अंदर गेहूं का प्रोडक्शन सरकारी आंकड़ों के अनुमान से कम आ रहा है, नंबर वन। नंबर टू, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गेहूं के भाव बढ़ रहे हैं तो बाहर से आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। नंबर थ्री, जो आपने प्रिक्योरमेंट करना था सरकार को वो आधे से भी कम हुआ है। इसका असर यह भी पड़ेगा कि देशी बाजारों में यानी भारतीय बाजारों के अंदर अभी हड़कंप मचेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों? क्योंकि निर्यातक माल खरीदने में हाथ खींच लेंगे और जिनका माल पहुंचा हुआ है उनको पेमेंट होगा, लेकिन आगे फ्रेश बाइंग जो 2400-2500 रुपए के, 2300 रुपए की, 2250 की और ये हो रही थी, 2500 रुपए तक के भाव थे एयरपोर्ट तक, 2500 रुपए के भाव थे, 2550 तक के भाव थे, उन भावों के अंदर अभी टेम्परेरी रूप के रूप में कुछ इस पे रोक लगेगी, इसके अंदर कुछ गिरावट होगी। लेकिन महत्वपूर्ण यह है जून के महीने के अंदर इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर रेटों में फर्क पड़ेगा, फ्रांस का जब फ्लीट बाजार में आएगा और वो कितना भाव पाएगा उसके ऊपर अगले जून और जुलाई के महीने में गेहूं की भाव का पूरा फर्क पड़ेगा। और ये भी जो भी भारत सरकार भारत के एक्सपोर्टर्स ने गेहूं का जो निर्यात किया है वो यहाँ के प्रोडक्शन में से कम होगा। और कितना जब आंकड़े आएंगे कि भारत ने कुल एक्सपोर्ट पिछले दो महीने में कितना कर दिया है या जून के महीने तक कितना एक्सपोर्ट कर दिया है, क्योंकि खबर निकल के आ रही है 50,000 टन गेहूं का टर्की ने भी भारत को ऑर्डर दे रखा है गेहूं के इंपोर्ट के लिए, तो ये 50,000 टन भी जाएगा। अब तो कुल मिला के जब वो आंकड़े आएंगे कि भारत ने पिछले 2-2.5 महीने में कितना एक्सपोर्ट वीट का किया है और कितना इसका प्रोडक्शन आया है घटेगा और कितनी हमारी कंजम्पशन है, उसके बाद वो बैलेंस निकल के आएगा और तब निर्भर होगा कि वो गेहूं के दाम एमएसपी के नीचे जाएंगे या नहीं। लेकिन कुल मिला के मेरा अनुमान ये कह रहा है कि एमएसपी से नीचे गेहूं के दाम इस बार नहीं जा सकते जी, इसकी संभावना बहुत कम है कि एमएसपी से जो 2015 का जो भाव है मुझे नहीं लगता कि इससे नीचे जाएगा, क्योंकि 2015 पे तो किसान सरकार को देने को तैयार ही है ना। अब सरकार को जिन्होंने नहीं दिया माल ऊंचे दाम पर और जिन्होंने बेच दिया वो तो उन्होंने तो प्रॉफिट कमा लिया। अब प्रॉब्लम ये है कि जिन किसानों ने, किसी ने 5,000 बोरी, किसी ने 10,000 बोरी, किसी ने 2,000 बोरी, किसी ने 500 बोरी, अलग अलग ये सोच के रखा था कि हम तो है ना 2800 रुपए में बेचेंगे, हम तो 3,000 रुपए में बेचेंगे, हम तो 3100 रुपए से नीचे नहीं बेचेंगे, ऐसी जो अफवाह थी
उन अफवाहों में उन किसानों को तकलीफ हो सकती है या उन व्यापारियों को जिन्होंने भाव को 2800 रुपए की नजर रखने के लिए जो माल रख रखा था उनको तकलीफ होगी, लेकिन जिन्होंने 2000 की जगह 2200 रुपए में माल बेच लिया या 2300 में माल बेच लिया या 2400 में माल बेच लिया उनको तो सुपर प्रॉफिट हो गया है जी। तो अब उन लोगों के लिए बड़ी समस्या है और इसका जुलाई महीने में जून के महीने में ही हो पाएगा इससे पहले अनुमान है, लेकिन कुल मिला के MSP से नीचे गेहूं का जाना मुश्किल नजर आ रहा है। ये अखिलेश जी जी कर्नल जी, तो यानी कि हमारे एस्ट्रोमनी गुरु कर्नल अजय जी का तो यही कहना है कि जिस हिसाब से सरकार ने यह फैसला लिया है खाद फूड सिक्योरिटी कंसर्न्स को मद्देनजर रखते हुए काफ़ी अच्छा फैसला है, क्योंकि पहली प्राथमिकता देश की जनता की होनी चाहिए, देश के लोगों की होनी चाहिए। तो ऐसे में जब निर्यात यहाँ से रुक जाएगा तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें गेहूँ की बढ़ जाएंगी और जिन किसानों ने अपना गेहूँ पहले निकाल लिया उनको काफ़ी फायदा भी हुआ है। लेकिन उन्होंने एस्ट्रोमनी गुरु कर्नल अजय जी ने काफ़ी महत्वपूर्ण बात यह भी कही कि MSP से नीचे गेहूँ इस बार नहीं बिकेगा। कर्नल अजय जी ने गेहूँ की रिपोर्ट्स पहले भी काफ़ी सारी मार्केट MCV के माध्यम से जारी की हैं और आगे भी ऐसी जारी करते रहेंगे।